हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम अरोरा मोबाइल पे खड़े हैं, भैया लोग हैं सब लोग। और फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं पल्सर की एक अपग्रेड बाइक जो लगभग दिसंबर 2022 में लॉन्च हुई थी, जिसका खैर पल्सर पुरानी वाली तो आप लोग देखे ही हैं, लेकिन एक नई पल्सर देखिए 150। तो बने रहे हमारी वीडियो, हम आपको दिखाते हैं 150 कैसी है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखाते हैं। बने रहिए, ये है वो बाइक पल्सर 150, देख सकते हैं आप। देखिए सामने से इसका लुक, देखिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ है, दो टर्न इंडिकेटर, देखिए काफ़ी प्यारी लग रही है बाइक देखने में। ये देखिए ABS लगा हुआ है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, और देखिए साइड से हम आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे ड्रम ब्रेक है इसके, डुअल चैनल लेकिन सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ ये बाइक है। देखिए पल्सर 150 की बैचिंग, और पीछे से देखिए इसका लुक। पीछे भी इसकी कोई पुराने वाली पल्सर जैसी दो LED लाइटें हैं, बाकी ये टर्न इंडिकेटर पहले पुराना वाला ही, कंपनी ये रिफ्लेक्टर मेंशन की है। बाकी मडगार्ड आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ठीक है, काफ़ी अच्छी बाइक लग रही है। बाकी देखिए इसकी सीट कंफर्ट इसका सही है, बढ़िया है, ताकि आप एक लॉन्ग जर्नी भी करें बाइक से तो कोई दिक्कत ना है, जा सकते हैं आ सकते हैं बाइक। फ्रेंड्स देखिए ये बाइक है, देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 144,000 की ऑनरोड पड़ेगी आपको, बाकी देख सकते हैं आप लोग। देखिए हम इसकी आपको आवाज़ सुनाते हैं, बाकी देखिए देखिए इसका टेकोमीटर, डिजिटल मीटर, देखिए ये भी एनालॉग और डिजिटल दोनों में है, देख सकते हैं आप। इसमें टाइम भी मेंशन होगा आपको, ये गियर भी मेंशन होगा कि आप कितने गियर में बाइक चला रहे हो, कितने में नहीं चला रहे हो। और देखिए इंजन चेकिंग लाइट, बैटरी की, ABS की लाइट जल रही है, और देखें एक RPM लिमिट लाइट भी जो आपको इंडिकेट करेगी। बाकी देख सकते हैं आप लोग इंडिकेटर लाइट, सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी देखिए हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं, देखिए देखिए वही साइलेंसर इसमें भी है, देखिए और किक स्टार्ट भी, और देखिए आप लोग इसका साइलेंसर छोटा सा, देखिए स्टॉप साइलेंसर, देखिए देखा फ्रेंड्स, सुनिए आप लोगों ने इसकी आवाज़, ये भी काफ़ी अच्छी आवाज़ है। और फिर देखिए अभी देख सकते हैं आप पीछे, ये है फुट रेस्ट आप बोल सकते हैं इसे, देख सकते हैं आप। देखिए ब्लैक कलर में है ये बाइक, थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ग्रे की पट्टी लगी हुई है, जो कि अच्छा लुक दे रही है। इसका भी टैंक वही 12 से 13 लीटर का है, बाकी देख सकते हैं। और इसमें भी है चार्जिंग सॉकेट, आप देख सकते हैं कंपनी ने इसमें भी मेंशन करी हुई है। बाकी देखिए आपके सामने है बाइक, हेडलैम्प, अप डाउन, पास लाइट, इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर के लिए, फिर हॉर्न, बाकी ये सब जो नॉर्मल आती है सारी बाइकों में चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए आप लोग ये देखिए, सामने से भी काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है बाइक, और 150 150 cc में बाइक है। तो खैर देखिए कंपनी आगे पुरानी वाली पल्सर को डिसकंटिन्यू करके इसे कंटिन्यू करती है या फिर क्या करते हैं, बाकी देख सकते हैं। ओवरऑल ये बाइक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लग रही है, देखिए आप लोग 5-speed गियरबॉक्स साथ ये भी बाइक आती है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक नीचे लगेगी और 4 ऊपर, बीच में न्यूट्रल है। बाकी देखिए इंजन इसका, देखिए ABS की बैचिंग, दो रिफ्लेक्टर, 100 rupees, और देखिए ये टायर की साइज़ है 80-117 inches इसके टायर है। और देखिए इसके रिम, वो भी ग्रे कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, बैक साइड से देखिए। देखिए इसको आपकी हम इसके टायर की साइज़ दिखा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स इसके पीछे टायर की साइज़ 190-17। ये फ्रेंड्स यूरो ग्रिप कंपनी का टायर है, नायलॉन टायर, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया इसकी ग्रिपिंग लग रही है, ऐसा नहीं कि बाइक कहीं स्लिप व्लिप करे कहीं चढ़ाने में कहीं चलाने में। बाकी देख सकते हैं अगर आप पहाड़ों पे भी लेके जाना चाहें तो काफ़ी इजीली बाइक चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और ये बाइक देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।